वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे स्कूल डेज में मेरी मेमोरी काफ़ी वीक थी, मुझे जल्दी से कुछ भी याद नहीं रहता था। हालांकि मैं पढ़ती पूरा दिन थी, पूरे दिन की मेहनत का सिर्फ 20-30% ही याद रह पाता था। तब किसी ने मुझे लिखकर याद करने की सलाह दी। उस वक्त तो मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया, मुझे लगता था कि लिखने से क्या हो जाएगा, इतना ज्यादा सिलेबस आखिर कैसे याद रहेगा। पर फिर भी मैंने ट्राई किया। देन आई रियलाइज्ड एक्चुअली में मुझे वो चीजें ज्यादा याद रहने लगी हैं जिन्हें मैं 2-4 बार लिख लेती थी। लिखना थोड़ा सा बोरिंग और टाइम वेस्ट जरूर लगता था, पर रिजल्ट मिल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि चीजों को लिखने और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने और सेव होने के बीच में कोई गहरा संबंध है। इट मींस अगर हमारे दिमाग में कोई बात ऐसे ही सीधे सीधे नहीं जा रही या सेव नहीं हो पा रही, तो उसे आप बार बार रिपीटेडली लिख कर आसानी से सेव कर सकते हैं या याद रख सकते हैं। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है। पर इस बात का मेरे आज के टॉपिक से क्या लेना देना? ये टेक्निक लोगों के दुख और परेशानी को कैसे कम करेगी? चलिए अब इसी विषय पर बात कर लेते हैं। जब हम अपनी रियल डे टू डे लाइफ में लोगों की एब्यूसिव और नेगेटिव बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो लोग हमारे करीबी होने के कारण हम उनसे बच भी नहीं पाते, ना ही उनकी बातों का जवाब उनकी भाषा में दे पाते हैं, ऐसी सिचुएशन में आप अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। और अगर ये सब लंबे समय तक चलता रहे तो डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार भी हो सकते हैं और भी न जाने क्या क्या होने लगता है। कुल मिलाकर आप एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते। इवन आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स में बदलने लगती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसी कंडीशन में आप क्या करें? आपने काफी बार 10 बार 20 बार 100 बार इवन 1000 बार भी अब्यूसिव लोगों से बात करने की कोशिश की, पर वो लोग फिर भी नहीं समझे और प्रॉब्लम ठीक होने के बजाय और ज्यादा बद से बदतर होती चली गई। तो बस अब आप यहीं रुक जाओ, छोड़ दो दूसरों को बदलने की कोशिश। दूसरे तो नहीं बदलने वाले, तो अब आप खुद को ही बदल डालिए। पर कैसे? ये इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, पर हम ये लिखने वाली टेक्निक अपना कर इसे कम जरूर कर सकते हैं। पर लिखना क्या है और इससे ये प्रॉब्लम कैसे दूर होगी? अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि जो लोग हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हैं और हमारा जीना मुश्किल किए रहते हैं, हम उनके बारे में बुरा लिखकर या उन्हें मन ही मन में करेंगे, तो आप बिल्कुल गलत है। हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, इससे तो आप खुद भी नेगेटिविटी के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह के थॉट्स आप अपने माइंड में क्रिएट करते हैं वैसी ही एनर्जी आपको मिलने लगती है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है उन्हें माफ कर दें, वो भी दिल से। और अब आते हैं अपने असली वेपन की तरफ, जो है सिर्फ एक डायरी और एक पेन, और बस लिख डालिए 5-10 पॉजिटिव लाइंस खुद अपने बारे में। याद रखिए, हर लाइन आई या मैं से शुरू होनी चाहिए। लाइक आई एम वेरी हैप्पी, पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। मुझे इस दुनिया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसी तरह की कुछ पॉजिटिव लाइंस। और आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी लाइंस खुद सेट कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर याद रखिए कि हमें सिर्फ अपनी बात करनी है, दूसरों का इसमें कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। और ये 5-10 लाइंस आपको रोज सोने से पहले लिखनी है, जितनी बार आप चाहें उतनी बार, एवरी डे, बिना स्किप किए। कोशिश करें कि जो आप लिख रहे हो वैसा फील भी करें। ये मान लीजिए कि आप 3-6 महीने का कोर्स कर रहे हैं, और ये कोर्स तब तक चलना चाहिए जब तक आप अपने अंदर एनर्जी और पॉजिटिव चेंज ना देखने लग जाएं। स्टार्टिंग में आपको रोज सेम चीज लिखना थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, पर ये टेक्निक आपको स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत काम आएगी। चलिए जानते हैं कैसे। देखिए, ये तो पक्का है कि आप किसी भी सूरत में दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, पर जरा सोचिए कि अगर आप खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि उनका किया हुआ कोई भी वार आप पर नाकाम हो जाए, ये बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जैसे बारिश के मौसम में छाता। आप बारिश को तो नहीं रोक सकते, पर छाता लगाकर काफी हद तक अपना बचाव कर सकते हैं।
बस आपको हर रोज अपने ब्रेन को ये बताना है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत अच्छे हो, पॉजिटिव हो, खुश हो और इस दुनिया में कुछ अच्छा करने आए हो। भगवान हमेशा आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो। अपनी इस जर्नी में भगवान को हमेशा जरूर शामिल करें। आफ्टर ऑल ही इज द अल्टीमेट ट्रुथ। बस इसी तरह की कुछ पॉजिटिव और स्ट्रांग स्टेटमेंट्स रोज कई बार लिखकर अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में डाल दीजिए और आराम से सो जाइए। और इस टेक्निक को कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस। ह्यूमन साइकोलॉजी भी यही कहती है कि सोने से पहले कोई भी नेगेटिव न्यूज या नेगेटिव बातें ना देखें, ना बोलें और ना सोचें, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन को इम्पैक्ट करती हैं और वहां जाकर बैठ जाती हैं। धीरे धीरे हर रोज जब आप अपने ब्रेन को ये पॉजिटिव और पावरफुल मैसेजेस भेजना शुरू कर देंगे तो आप पर लोगों की फालतू बातों का असर होना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी चारों तरफ एक मजबूत शील्ड बना ली है। आपके पॉजिटिव ऑरा में कोई नेगेटिविटी एंटर नहीं कर पाएगी। एक्चुअली होता ये है कि जब हम एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमें सच लगने लगती है और ब्रेन में जाकर सेव हो जाती है, फिर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। और जो एक बार सेव हो गया वही बाहर भी आएगा। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हो सकता है कि आपको एकदम से कोई असर ना दिखे, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसीजर है, पर सोचिए कि अगर आधा भी हो जाए तो लाइफ में कितना बड़ा बदलाव और सुकून मिलेगा। यहाँ पर मुझे किसी संत की कुछ बेहद मोटिवेशनल लाइंस याद आ रही हैं। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। इट्स जस्ट लाइक कि जैसे किसी के दोनों हाथ जल गए हों और वो इंसान पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड हो गया हो, अपनी डेली की छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी ना कर पा रहा हो, उसे खाना भी दूसरे लोग ही खिला रहे हो, नहला भी वही रहे हो, वॉशरूम भी वही ले जा रहे हो और तो और खुद पानी का ग्लास तक ना उठा पा रहा हो, तो वो कैसा फील कर रहा होगा। पर अगर उसका एक हाथ भी ठीक हो जाता है तो उसे कितनी बड़ी राहत मिलती है। एटलीस्ट जिन कामों को दूसरों से करवाने में उसे बड़ी शर्मिंदगी लगती थी और गिल्ट फील होता था, अब वो उनमें से बहुत सारे काम खुद कर पाएगा। सच मानिए, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो इतना आसान हो। वैसे खुद को स्ट्रांग और स्टेबल बनाने की और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, पर ये टेक्निक बड़ी ही इजी और टाइम टेस्टेड है। बस लिखना ही तो है कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस। ये बात सुनने में जितनी छोटी लग रही है, इसका असर उतना ही बड़ा होता है। ये बात आप समंदर के बिहेवियर से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि समंदर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं। एक बार मैंने कहीं पर कुछ मोटिवेशनल लाइंस सुनी, आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। एक बार कुछ बच्चे समुद्र के किनारे खेल रहे थे, अचानक एक बड़ी सी लहर आई और उन बच्चों की बॉल को अपने साथ बहा कर ले गई। तब उनमें से एक बच्चे ने समुद्र की रेत पर लिखा, समुद्र चोर है। तभी एक मछुआरा आया, उस दिन उसके हाथ बहुत सारी मछलियां लग गई, वो बड़ा खुश हुआ। उसने रेत पर लिखा, समुंदर बड़ा दयालु है, मेरा पालनहार है। फिर तभी एक लड़का समुद्र में डूबकर मर गया, उसकी माँ ने रोते हुए रेत पर लिखा, समुंदर क्रूर है, हत्यारा है। अचानक वहां पर घूमते हुए एक गरीब बूढ़े व्यक्ति के हाथ में कुछ मोती लग जाते हैं, वो खुशी से चिल्लाते हुए रेत पर लिखता है, समुंदर बड़ा दानी है। फिर एक बहुत बड़ी लहर आई और सब लोगों ने जो कुछ भी अपने अपने हिसाब से लिखा था सब मिटाकर चली गई। यानी समुंदर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि लोगों की राय तो परिस्थिति और जरूरत के हिसाब से बदलती रहती है। कुछ लोग आपको अच्छा बोलेंगे और कुछ बुरा, अपनी अपनी सोच और स्वार्थ के अनुसार। पर ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी वैल्यू मिली होगी। अगर हाँ तो शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप राइटिंग एंड बी हैप्पी।